चाय हो गई खत्म। यही सेम कप है, आप देख सकते हैं अभी इसको खाते हैं। प्लास्टिक के कप में चाय, कुल्हड़ में चाय पी के आपने कप को फेंका तो होगा, लेकिन क्या कभी आपने चाय पीने के बाद उसी कप को खा लिया? जी हाँ, आज हम आपको लेके आए ऐसी जगह पर जहाँ पर आप चाय पीने के बाद कप को खा सकते हैं। नमस्कार, राम राम सा खमा गणी, मैं आपका भाई पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जोधपुर में। एक भाई ने एक अलग तरीके का स्टार्टअप लगाया है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप मेरे साथ में देख रहे हैं इको फ्रेंडली चाय। इको फ्रेंडली के चाय का मतलब ये है कि पर्यावरण को 0% नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उल्टा पर्यावरण को ये सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक या प्लास्टिक के बने हुए किसी प्रकार के बर्तन का यूज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर कप भी ऐसे हैं जिनको चाय पीने के बाद में आप कप को खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पहले आप चाय पीजिए और उसके बाद में कप को खा लीजिए। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसे ही अमेजिंग चाय की दुकान है अपने यहाँ जोधपुर के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, अगर आप भी चाय पीने के लिए आएंगे तो आपको एड्रेस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ कि जो अपना जोधपुर के अंदर मंडी मोड़ है, यानी बासनी साइड जाते हैं मंडी मोड़, जहाँ पर स्टेशन भी है, पाली जालोर जाने वाली बसें रुकती है, और यहाँ पर जोधपुर का जो जलदाय विभाग का ऑफिस है PHD का, उस जलदाय विभाग ऑफिस के ठीक पास में ही भाई ने यहाँ पर लगा रखी है इको फ्रेंडली चाय। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चाय की क्या विशेषताएं हैं, क्या यूनिकनेस है इसके अंदर, क्यों यहाँ पर ये बहुत जल्दी वायरल भी हो रही है, जोधपुर के अंदर पॉपुलर हो रही है। और आपको बता दें कि जोधपुर के अंदर एकमात्र ये अपने जैसी दुकान है इको फ्रेंडली चाय। और इस भाई के अंदर इस प्रकार का विचार कहाँ से आया है, अभी पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं यहाँ पर चाय की, वो सभी आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये चाय की दुकान दिखाते हैं, जो अपने आप में बहुत यूनिक है। भाई ने यहाँ पे बहुत शानदार डेकोरेट करके एक नॉर्मल जो लॉरी होती है उसी के ऊपर पूरी चाय की दुकान लगा रखी है। इन्होंने ऊपर भी ऐसे लिखा है जो वुडन लुक दे रहा है, इको फ्रेंडली चाय। तो यहाँ पर भी इको फ्रेंडली चाय, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक कदम पर्यावरण की ओर, यानी कि एनवायरनमेंट की तरफ कहीं ना कहीं जाने की ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पर दिखेंगे ये भाई आपको चाय बनाते हुए, जिन्होंने यहाँ पे जो पीतल का भगोला ले रखा है जिसमें चाय बन रही है, और इधर जो एल्यूमिनियम का भगोला इसमें ये दूध गर्म कर रहे हैं। पानी पीने की भी खास बात है यहाँ पर, पानी भी यहाँ मटकी और जार में नहीं दिखेगा, ये जो तांबे का एक घड़ा है जो हेल्थी होता है, इसमें पानी पीने से काफ़ी बीमारियाँ ठीक होती हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पानी पीने के लिए मिलेगा। और भी इनका सेटअप है वो पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। एक इन्होंने यहाँ पे स्टोर लगा रखा है जिसके अंदर इनकी सामग्रियाँ स्टोर करते हैं, ये चाय बनाने के सामान, और बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है। और इस प्रकार से इन्होंने भट्टी लगा रखी है, और यहाँ पर लगा रखा है गैस का सिलेंडर। चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि चाय बनती कैसे है। जितेंद्र जी यहाँ पर चाय बना रहे हैं, और चाय बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नॉर्मल सादा तरीका वही है जैसे घर पर चाय बनती है, कुछ खास फ्लेवर्स वगैरह भी यूज नहीं हो रहे हैं। अभी हमारे साथ में भाई साहब जुड़ रहे हैं, ये यहाँ पे चाय बनाते हैं, और इन्होंने ये सेटअप स्टार्टअप है जो पूरा तैयार किया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है, पता बताएं? जितेंद्र राठौड़, बिलाड़ा से हूँ, जातिवाद। जितेंद्र जी हैं बिलाड़ा से और चाय बना रहे हैं। आपके दिमाग में इस प्रकार का आइडिया कैसे आया कि भाई इको फ्रेंडली चाय ये बनानी चाहिए? ये इको फ्रेंडली तो इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में चाय का धंधा सभी कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, और जो 60-70 साल से कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी पढ़े लिखे जो नई जनरेशन कर रही है ना, उसमें भी वही तरीका है जो 60-70 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब चाय बनाने का तरीका तो चेंज हो गया, लेकिन जो पीछे का जो सिस्टम है, जो कचरे का है, जो वो सिस्टम आज भी ऐसा कैसा है जैसे वो 60-70 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि पुराने ज़माने में जो लोग चाय का बिजनेस करते थे, लेकिन अभी भी पढ़े लिखे, मैंने खुद ने देखा कि पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, लेकिन तरीके वही पुराने वाले हैं। एक आपके यहाँ का जो कप स्पेशल है उसके बारे में क्या कहना है, लोग खा सकते हैं बताइए? ये तो एक बिस्किट के कप है जिनको चाय पीने के बाद में खा भी सकते हैं, और ये एक तो ऐसा है कि मतलब
पर्यावरण को कोई प्रदूषित नहीं करता है। अगर हम नहीं खाए कोई भी जीव जंतु भी खा सकता है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और सेकेंड बात है ये है कि ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि पेपर कप होता है वो एज ए प्लास्टिक होता है। और लोगों की थिंकिंग आज भी वही है कि वो एक मतलब पेपर कप है, उससे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता है। हाँ, वो बिल्कुल कागज़ का थोड़ी होता है पेपर कप। हाँ नहीं, उसमें बिल्कुल भी कागज़ नहीं। IIT खड़गपुर की एक रिपोर्ट के अनुसार ये दिखाया गया है कि उसमें जो प्लास्टिक होता है अंदर की तरफ लेयर, जिससे हमें कैंसर की होने की संभावना रहती है। हाँ, धीरे धीरे अब ऐसे नहीं कि एक बार हो गया, क्योंकि दिन में 4-5 कप चाय पीते हैं और उसमें एक कप में लगभग 25,000 माइक्रो प्लास्टिक हमारे गर्म गर्म चाय डालने के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जोधपुर के अंदर अपन देखें तो चाय के बिजनेस में लोग यहाँ प्लास्टिक के कप में चाय दे रहे हैं। जो आपकी चाय है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि आपके कप हैं जो कुल्हड़ लाते हो वो सब कुछ, तो आप उन लोगों को कैसे मात देंगे बिजनेस आइडिया से? मैं तो बस अपनी रेट है, जो अपनी रेट है वो सभी एक ही रखी अभी तक। चाय की, चाहे कुल्हड़ में चाय हो चाहे बिस्कुट, सभी की 10 रुपये रेट रखी है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पेपर कप की रेट होती है 10 रुपये 8 रुपये, और जो भी कुल्हड़ की रेट होती है उसे 2 रुपये 1 रुपये ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि वो एक तरह से गलत है, क्योंकि वो जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास, वो सोचते हैं यार 2 रुपये क्यों खर्च करें, इसमें पी लेते हैं। उनकी मैंने थिंकिंग मतलब चेंज करने के लिए कुल्हड़ की रेट 10 रुपये रखी है। अच्छा, इन्होंने कुल्हड़ की चाय 10 रुपये रखी, और उसके पीछे का आइडिया भी आप देखिए। मैंने खुद ने यह चीज़ नोटिस की कि कुल्हड़ की रेट कहीं पर 2 रुपये ज़्यादा होती है, तो लोग 2 रुपये बचाने के चक्कर में प्लास्टिक में चाय पीते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल्हड़ में भी ये चाय देते हैं, और उसके साथ साथ जो बिस्किट कप है। तो कस्टमर विशेष तौर पे ज़्यादा कौन आते हैं? युवा आते हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, या गर्ल्स आती है? कौन आते हैं? युवा भी आते हैं, गर्ल्स भी आती हैं, और बूढ़े भी आते हैं, सब आते हैं। लोग यहाँ आते हैं वो देखते हैं कि अपने आप में अलग सा है, इको फ्रेंडली, तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं पहले तो वो टेस्ट पर निर्भर करता है कि हमारा टेस्ट कटा चाय का, उसके बाद में जो भी सिस्टम होता है वो बाद में बताता है कि ये है अच्छा अच्छा वो बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है वैसा। आप चाय पत्ती कौन सी यूज़ करते हो, दूध कौन सा लाते हो, और बनाने का तरीका क्या है, वो शॉर्ट बताएं। चाय की पत्ती तो नकली है, हमारे बिलड़ की है, और दूध है जो हम हमारा सिस्टम है नोकल फॉल वोकल का, तो हम यहीं से दूध मंगाते हैं। अच्छा। और बाकी जो नॉर्मली है चाय, देसी चाय, मसाला कुछ नहीं डालते, इलायची और काली मिर्च या अदरक, बाकी इसके अलावा वही ज़्यादा नहीं डालते हैं, क्योंकि यही है इको फ्रेंडली चाय का राज, यहाँ पे देसी मसालों से और देसी तरीके से चाय जैसे घर पे बनती है ठीक वैसे ही। हाँ वैसे ही, बस घर पे ही बनती है जैसे। कितना टाइम हो गया आपको दुकान डाले हुए? लगभग 1.5 महीने हो गया। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक? अच्छा मिल रहा है वैसे। दिन के कितने कप निकल जाते लगभग? लगभग 100-150 के आसपास। 100-150 के। और इस प्रकार का इन्होंने सेटअप लगा रखा है, 100-150 कप से शुरुआत करी है। और आपका आगे का प्लान क्या है, मतलब और फ्रेंचाइजी जैसे भाई प्रफुल्ल बिल्लोर हैं, उन्होंने पूरे भारत में चाय की दुकानें खोली, आपका भी ऐसा कुछ प्लान है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे जोधपुरवासी जब भी आज भी है ना, वो एक बहुत ही दूसरे राज्य की फेमस चाय चल रही है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपको अपना जोधपुर का एक ब्रांड बनना हो ताकि वो पूरे भारत में फैले। अच्छा। और अक्सर वहाँ की थिंकिंग कोई नोकल फॉर वोकल नहीं है, वो जो चाहते हैं वो करते, वो सब गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने नोकल वाले लोगों को सपोर्ट करो, ताकि हमारा जब नोकल मजबूत होगा तो इंडिया बढ़ेगा। हम अगर किसी दूसरे वहाँ से कुछ मंगाते हैं या कुछ भी खाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो एक चीज़ से मेरे हिसाब से गलत है। अगर नोकल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा इंडिया वैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इनका कहना यही है कि दूसरे राज्यों की चाय अपने राजस्थान में चल रही है, क्यों नहीं राजस्थान की चाय दूसरे राज्यों में चले। और आपने सेटअप में बिल्कुल सिंपल सा लगा रखा है, एक ये जग वगैरह लगा रखा है, इसमें क्या करते हैं? इसमें तो क्या है, जैसे ये चाय बना दी, ये इसके अंदर रख देते हैं। अच्छा, ताकि क्या वो मक्खी वगैरह नहीं बैठे। अक्सर क्या होता है यहाँ नीचे रख देते हैं, फिर मक्खी आती है, चाय बनानी है तो इसके अंदर डाल देते हैं। साफ सफाई भी यहाँ पर आपको जोरदार दिखेगी, दूसरी जगह पर देखते हैं तो चाय जगह जगह फैली होती है, लेकिन यहाँ एक बूंद चाय भी इनकी जो दुकान है यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ ही साथ आपने तांबे का जो घड़ा लगा रखा है पानी पीने के लिए, ये आइडिया कहाँ से आया? ये तो नॉर्मली है, क्योंकि ज़्यादातर वो रखते हैं कैंपर, वो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कैंपर छाया में पड़ा रहता तो ठीक है, गर्मी में पड़ा रहता तो वो गर्म गर्म वो उसमें कीटाणु चले जाते हैं, फिर वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, इसलिए कुल मिला के पर्यावरण के प्रति आप बहुत ही मतलब सजग हैं, और पर्यावरण को लेके एक भी मतलब आप ऐसा काम नहीं करते जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। नहीं, मैंने कुछ हद तक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा, उसके लिए काम कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पर्यावरण को नुकसान नहीं मतलब कम से कम पहुँचा रहा, मेरा मकसद ही है। और जैसे जैसे और भी लोग कहेंगे कि ये देखो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए तुम ये कर रहे हो, तो जैसे जैसे लोग कहेंगे अनुभवों का वैसे वैसे हम चेंज करते रहेंगे। अच्छा, जैसे पब्लिक कहेगी पब्लिक के डिमांड के अनुसार भी ये काम करने वाला है, और उसके साथ साथ में पर्यावरण को लेकर बहुत शानदार एक इनकी जो डायरी थी पर्सनल, वो मैंने यहाँ पे अभी मेरे को इन्होंने दिखाई थी, वो मैं पढ़ी है, बहुत ही शानदार लिखा हुआ है।
है, जैसे भाई मैं नहीं लिख पाता हूँ ऐसी इतनी लिखावट है। पढ़े लिखे कितने आप? 12th पढ़े लिखा हूँ, बाद में तो ऐसे प्राइवेट बीकॉम किया हुआ है। अच्छा, 12th पास आउट बंदा है और इतनी शानदार इन्होंने विचार उस डायरी के अंदर लिख रखे हैं, आगे के प्लान लिख रखे हैं। जोधपुर में और कोई इको फ्रेंडली चाय वाला है क्या? पता नहीं भाई, मुझे तो अभी तक पूरे जोधपुर में मैंने कहीं देखा नहीं। मेरे हिसाब से जोधपुर में सिर्फ आप अकेले हैं और आप इको फ्रेंडली पर्यावरण को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। चाय बेचने के साथ साथ में और क्या काम करते हैं? चाय बेचने के साथ साथ हम लोगों को बता रहे हैं कि प्लास्टिक का हमें कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ साथ पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये हमारी हजारों पीढ़ी निकल जाएगी लेकिन प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होगा, इसलिए हमें कम से कम यूज करना चाहिए। अगर यूज भी करते हैं तो उसका रिसाइकिल पूरी रूप से पूर्ण रूप से करना चाहिए, हमें बाहर कुछ भी नहीं डालना चाहिए। आपके यहाँ वेस्टेज कितना होता है ये बताएं? वेस्टेज तो कुछ भी नहीं होता हमारा, जीरो वेस्ट बाहर जाता है। क्योंकि हाँ, जो कूलर होते हैं कूलर को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, कहीं खड्डे में डाल देते हैं, या फिर अभी नया सोचा है कुछ डेकोरेशन के लिए। अच्छा, अभी वो प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सारे चाय की दुकान है, वहाँ पे बिस्किट और जर्दा गुटका इस प्रकार दिखते हैं, आप कुछ भी नहीं रखते, इसका क्या कारण? अभी हम ये धूम्रपान और ये जर्दा वगैरह कुछ भी नहीं रखेंगे कभी भी। कभी भी नहीं? नहीं नहीं नहीं। और ये बिस्किट वगैरह अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ नया बना के वो ला रहे हैं बिस्किट वगैरह। चाय पीने के लिए लोग आते हैं, वो सिगरेट नहीं मांगते आपसे? सिगरेट मांगते हैं लेकिन हम नहीं रखते हैं। नहीं रखते हो? नहीं नहीं। और कोई पैकिंग करवाने के लिए ले जाना चाहते हैं उनको क्या? पैकिंग के लिए तो हमारे पास बर्तन होते हैं स्टील के, वो दे देते हैं, क्योंकि फेमस चाय हो या चाय कुछ भी हो, ज़्यादातर अक्सर चाय की दुकान या टपरी पे जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि चाय का आनंद वहीं आता है। और जो पैकिंग आती है तो वो तो 100-200 मीटर में ले जाते हैं और वापस लेकर आ जाता है स्टील के बर्तन। और ज़्यादातर तो दूसरे स्टोर पे क्या होता है, प्लास्टिक में डालते हैं, वो हमें नुकसान करती है, उसके बाद में पर्यावरण को नुकसान पहुँचती है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओ वो योजना चला रहे हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, वो तो ये है कि कम से कम मेरा ये मानना है कि कम से कम हमें एक साल में एक पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देख रेख करनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पेड़ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम चले जाएंगे लेकिन पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ऑक्सीजन देगा। ये हमारा तो जन्मदिन पर आप पौधा यहाँ से देते हैं या किस प्रकार से, क्या योजना बताएं, योजना के बारे में बताएं? हाँ, जन्मदिन के मौके पर हम एक पेड़ पौधा देते हैं किसी को भी, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। जैसे कि आपका जन्मदिन है और आप भाई के पास में आते हो तो आपको एक पौधा या गिफ्ट में देंगे और साथ में चाय भी पिलाएंगे, तो मेरा जन्मदिन है तो मैं पौधा ले जा सकता हूँ यहाँ से? हाँ बिल्कुल आइए, और लोगों भी बताइए कि मतलब एक साल में एक बार पेड़ पौधा तो लगाना ही चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे नहीं लगा के छोड़ दिया फिर वो बड़ा नहीं होगा। तो जो पौधा लेके जाते हैं उनके घर जाके आप देखते होगे उसने सही से लगाया कि नहीं लगाया? नहीं नहीं, वो तो उनकी है ना कि भाई कि मैं लगाऊं और मैं उसको बड़ा करूं, उसकी सेवा करूं। अच्छा, आप सब समझदार है भाई, पौधे बहुत ज़रूरी हैं अपने शरीर के लिए। और आप यहाँ चाय और पानी वगैरह ये सब नेचुरल तरीके से रखते हैं, आपको क्या लगता है इससे लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा और क्या लोगों का फ़ायदा होगा? लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, मैसेज तो ये जाएगा कि हमें अपने आसपास तो कम से कम आसपास और साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कम से कम पेड़ पौधा एक तो अवश्य लगाना चाहिए साल में। बाकी मैं तो विशेष कभी विशेष दिन आता है या कभी किसी का जन्मदिन आता है मेरी फैमिली, तो मैं तो कम से कम एक दो पेड़ पौधे तो लगाते ही लगाते। एक आपकी लोरी और आपका जो इको फ्रेंडली वाला लोगो वगैरह वो मुझे बहुत आकर्षक लगा, ये कहाँ से बनवाया आपने, इतना मतलब शानदार लगा मुझे। बनवाया तो ऐसे ही मेरे दिमाग से बनाया कि वो आपने खुद ने मतलब बनाया था, आपने खुद ने डेवलप किया था? हाँ, वो एक मेरे फ्रेंड है उसको बताया कि ऐसे ऐसे करना, तो उसने बना दिया। बनवाया कहाँ पर है लोरी? ये ऐसे ही जोधपुर में बनवाया। जोधपुर में? जोधपुर का फर्नीचर है वो भी विश्व प्रसिद्ध है और इतना शानदार तरीके से इन्होंने लोगो वगैरह लगा रखा है। और भी कुछ लोग यहाँ चाय पीने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इधर है भाई सर, नमस्कार। नमस्कार। वो कैसी लगती है आपको चाय? बहुत टेस्टी चाय लगती है। कैसी लगती है? हाँ। किसमें पीते हैं, कुल्हड़ में या बिस्किट कप में? ये कुल्हड़ में। कुल्हड़ में? हाँ। कुल्हड़ में चाय पीने से क्या फ़ायदा आपको कैसा लगता है? फ़ायदा तो वही है कि कप में पीने से वो टेस्ट नहीं है और इसका मिट्टी का टेस्ट अलग आता है। आपको क्या लगता है भाई ने ये बिल्कुल नया बिजनेस किया जो जोधपुर में एकमात्र है, एक कहाँ कितने आगे जा सकते हैं? ये तो देखो इसी हिसाब से बेचेगा बहुत आगे जाएगा। चलिए अभी वक्त आ गया है चाय पीने का, चाय ट्राई करेंगे और जो कप है यहाँ पर जिसको हम खा भी सकते हैं, चाय भी पियेंगे और कप खा के बताएंगे कैसा क्या स्वाद है। भाई ने चाय बनाई है और ये कप आप देख सकते हैं बिल्कुल बिस्किट कप है, इस कप को खा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाय पी के देखता हूँ कि चाय बनी कैसी है, उसके बाद में बिस्किट भी खाएंगे।
चाय में मजा आ गया भाई एकदम, मतलब कसम से बहुत बढ़िया है चाय, बहुत बढ़िया। जैसे आप पुराने दुकानों पे चाय पीते हो ना, चाय का टेस्ट तो सेम वही है, ये कप अलग है अपने आप में। इस कप को मैं अभी खाऊंगा चाय पीने के बाद। आप भी पी लो थोड़ी, देख क्या रहे हो यार, थोड़ी सी पी लो। चाय उतर गई है तो अपने अपने किचन में जाओ चाय बनाओ, या जोधपुर के रहने वाले हो तो अभी आ जाओ यहाँ इको फ्रेंडली चाय मंडी मोड़ वास नहीं और पी के चले जाओ। इस कप के अंदर 10 मिनट तक चाय रह सकती है, 10 मिनट तक ये गलता नहीं है। और कप बना हुआ है गेहूँ चावल और मक्का, इस प्रकार का जो मिक्स होता है उसी से कप बना हुआ है, बिस्किट के जैसा कप लगता है। अभी ये है जो वनीला फ्लेवर में, इसके अलावा इलायची फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में भी कप आता है। और इस कप की वजह से टेस्ट आ रहा है या पता नहीं, चाय का टेस्ट बड़ा तगड़ा आ रहा है एकदम, मतलब मस्त चाय हो गई ख़त्म। यही सेम कप है आप देख सकते हैं, अभी इसको खाते हैं। कप को आधा खा लिया हूँ, खाने में भी ठीक है, अच्छा है। यार पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि खास बात यह है कि इस कप को इंसान भी खा सकते हैं, यानी मैंने इस कप को आधा खा लिया है, और जानवर भी खा सकते हैं, गायें भी खा सकती हैं, तो अपने आप में बड़ा अच्छा है। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसी लगती है चाय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो इको फ्रेंडली चाय है, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी चाय पिलाता है ये, तो अमृत का प्याला है चाय, बहुत अच्छी लगती है। हर चाय की दुकान वाला प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर रहा है, वैसे सरकार ने रोक लगा रखी है थैलियों पे, फिर भी प्लास्टिक पूर्ण रूप से बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? वो तो सरकार की कमजोरी हो सकती है। अच्छा, अगर आपको जिम्मा दे दिया जाए कि प्लास्टिक मुक्त रखना है तो आप क्या करेंगे? प्लास्टिक मुक्त ही रखेंगे। लोगों को समझाओगे कैसे? लोगों को समझाएंगे कि प्लास्टिक का तो उपयोग करो मत। कब से पी रहे हैं भाई सब चाय यहाँ पे? नहीं जी यार, चाय तो बढ़िया है, अच्छा टेस्ट। फर्स्ट टाइम पिए? यहाँ फर्स्ट टाइम पिए। फर्स्ट टाइम पिए। एक यहाँ पे आपने बताया कि कप मिलता है जो खा भी सकते हो आप चाय पीने के बाद। नहीं ऐसा नहीं पता, कौन सा कप? ये वाला तो नहीं है? ये वाला नहीं है, ये कहो के दांत टूट जाएंगे। वो कौन सा कप है? तेरे चाय कैसी लगी? अच्छी लगी चाय, बढ़िया है, बहुत अच्छी चाय है। हम तो 2-3 महीने से जब से दुकान खुली है यहीं की भाई की चाय पीते हैं, बहुत अच्छी है, वेराइटी क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है, बहुत अच्छी है। कब खाया आपने? जब ओपनिंग हुई थी जब। अच्छा, कैसा लगा कब खाया? बहुत अच्छा लगा। तो ये था भाई आज का वीडियो, और वीडियो के अंदर हमने आपको बताया इको फ्रेंडली चाय। और आपसे भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ रहते हैं तो मंडी मोड़ है जो PHD जलदाय विभाग का ऑफिस, वहाँ पर भाई ने लगा रखी है इको फ्रेंडली चाय, यहाँ पर आकर चाय ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। और चाय के साथ साथ इनके विचार बहुत ही शानदार लगे मुझे, कि पर्यावरण के लिए ये किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, वो युवाओं के लिए वास्तव में प्रेरणादायक है। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भाई के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।